ऊपर वाले की दुनिया में खो जाने वाला कभी वापस नहीं आता। कोई कोशिश काम नहीं करती। मेरी पत्नी मुझे हमेशा डांटती थी। मैंने हमेशा अपनी ड्यूटी पर ही ज्यादा ध्यान दिया। जिस दिन हमें बेटी हुई उस दिन भी मैं वहां नहीं था। उसकी शिकायतों पर ध्यान ही नहीं दिया। शायद उसी गुस्से में हमारी बेटी मेरे हवाले करके हमेशा के लिए वो हमसे दूर चली गई। एक दिन जब मुझे ये पता लगा कि मेरी बेटी को बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या फायदा ऐसी नौकरी का जो घर को बर्बाद कर दे। मुझे लगता था कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स मुझे ही हैं सर, लेकिन आप भी मेरी तरह ही हैं। भरत, खतरों से भरी मेरी इस नौकरी में अगर मुझे थोड़ा सा भी सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो तुम्हारे जैसे अच्छे इंसानों की मदद करके मिलता है। उम्मीद मत हारो। हेलो, देखिए सर, ये मेरी बच्ची वरु वर्धना 6 साल की है और वो बहुत भोली बच्ची है। 1 महीने से लापता है, हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। प्लीज, मैं आपके आगे भी एक मांगता हूँ, वो किसी को मिले तो मुझे बताए, बहुत उपकार होगा। सर, क्या हुआ आपकी बेटी को? क्या आपको किसी पे शक है? क्या आपको किसी पे शक है सर? पुलिस का इस बारे में क्या कह रहा है सर? बेटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार तो नहीं हो गई? किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया सर? बताइए सर, सर कुछ तो बोलिए सर, जवाब दीजिए। सर पानी पी लो, चाय लाओ। चिक्की 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 मेरा चाचूपा, चॉकलेट से भी स्वीट है मेरा चाचूपा। चिक्की 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 मेरा चाचूपा, बहुत सो लिए चाचू अब तो उठ जाओ ना। Come on.
अरे जामुन, तूने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, इसीलिए उसने तेरा पीछा किया। एक काम ठीक से नहीं कर सकता तू। ए ला सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने आपके अलावा गया, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा सर। मर दो सर, मर दो सर, मर दो, मुझे झूठ नहीं है। ए कुछ महीने के लिए इस काले जामुन को अंडरग्राउंड कर दो। हट सर, थैंक यू। चल चल बंद कर इन्हें, लड़कियों को छेड़ते हैं इडियट कहीं के रास्कल साले। सर सर आपकी चाय। ये दिन में 6 घंटे जागता है और उसमें भी इसे एडवेंचर करने की पड़ी है। समझा रहे ना गप्पा, पुलिस का काम पुलिस पर ही छोड़ दें, ज्यादा होशियारी भी लेट उठती है। मुझे फोन करना चाहिए था, तुम्हारी बेटी को सही सलामत ढूंढ निकालता मैं। इडियट कहीं के। क्या सर, क्लू ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। आपने मौका गवा दिया सर। भारत, अगर तुम इनकी क्रिमिनल लिस्ट चेक करोगे तो उसे अच्छे से पहचान लोगे ना सर। लोगों ने मारा था, मैंने सर रजिस्टर करके 2 दिन लॉकअप में भी रखा था सर, और इस रजिस्टर बुक में मैंने ही एंट्री करी थी सर। इस लड़के ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इस लड़के के वजह से आज पहली बार पुलिस घर आ गई है। आए रे, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। दादी माँ, तुम्हारे घर में पुलिस आई है, आग नहीं लगी है। जल्दी से बताओ पोता कहाँ है तुम्हारा। अरे मैं क्या जानू वो कहाँ है, 20 साल से मैंने उसे नहीं निकला यहाँ से। तुम बस यहाँ बैठकर चिल्लाती रहना और वहाँ तुम्हारा पोता पूरे शहर। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पुलिस लोग बस गरीब लोगों को परेशान करते हो। अरे जाओ जाओ, जितनी मर्जी तलाशी ले लो, कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा प्यारा पोता बहुत शरीफ लड़का है। Mature the follicles. लेकिन ये बांझ औरतों को दिया जाने वाला ड्रग है। सवाल ये नहीं है कि ये दवाई है क्या, सवाल ये है कि ये तुम्हारे भाई के पास क्यों थी। Actually, मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, तुम कहो तो